साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके के बैंक में पैसा जमा करवाने आए शख्स से लूट की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप कर्मी शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के यूको बैंक में 22 लाख रुपए जमा करवाने आया था और जैसे ही गाड़ी से उतर बैंक में जाने लगा तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 से 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर मिर्ची पाउडर फेंक बैग को लूटने की नाकाम कोशिश की। पेट्रोल पंप कर्मी की माने तो उसे जैसे ही आभास हुआ कि वो खतरे में हैं, वैसे ही वो चिल्लाते हुए बैंक की तरफ भागा और अचानक हुए शोर से वारदात में शामिल बदमाश घबराए और मौके से फरार हो गए। यूको बैंक के बाहर लूट की हुई ये नाकाम कोशिश की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें 4 से 5 बदमाश पहले से ही घात लगाए वहाँ टहलते देखे जा सकते हैं और जैसे ही बैग लिए पेट्रोल पंप कर्मी गाड़ी से उतरा वैसे ही उसके मुंह पर मिर्ची पाउडर फेंक मौके से फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज कितने बजे तक की बात है? 1:35 की बात है। अच्छा, फिर आपने क्या करा जब वो हुआ? उन्होंने अच्छा अच्छा आपके पास उस टाइम कितने पुलिस प्रशासन ने आपकी कुछ मदद करी अभी आई थी? अच्छा, और लाल आपके पास कितना कैश था उस टाइम? 22 लाख रुपए। अच्छा, तो उसमें कुछ वो लेके गए हैं या कुछ नहीं लेके गए? चलो अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं, कोई चोट वगैरह? अब तो मतलब ठीक है ना? बता दें कि साइबर सिटी में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। बीती 20 मई को भी डीएलएफ फेस 2 में मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने कैश कलेक्शन एजेंट से 6.5 लाख रुपए की लूट की थी। वहीं 21 मई को रात के 10:30 बजे KMPA से सटे इलाके में आशीष नाम के युवक पर लाठी डंडों से लैस अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से हमला किया था, जिसमें आशीष की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अब लूट की नाकाम कोशिश का ये मामला, देखना होगा कि मामले में पुलिस बदमाशों तक कब तक पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।